शिक्षा नगरी के रूप में पहचान बनाने वाला कोटा शहर देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक तबका ऐसा भी है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो दूर स्कूल जाने तक से वंचित है। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने जन सहयोग से इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का बीड़ा उठाया और इनके लिए मेरी पाठशाला इनकी ही बस्ती में खोलकर इन्हें अंधेरे से उजाले की ओर लाने का प्रयास किया। जनवरी से शुरू हुई मेरी पाठशाला में बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। खेल हो या भ्रमण, तीज त्योहार हो या कोई उत्सव, इन बच्चों को हर खुशी देने का प्रयास किया जाता है। इसी के तहत देश के सबसे बड़े पर्व दीपावली पर भी बिरला ने इन बच्चों के बीच जाकर दीपावली की खुशियां बांटी। पाठशाला का आज दिवाली का दीपोत्सव है, इनको नए कपड़े मिले, मिठाई मिली है और सबसे बड़ी बात आज के दिन घर में उजाला, शिक्षा का उजाला हुआ और उनके जीवन में हमारा संकल्प है जब तक वह एक अच्छे शिक्षित बालक और नौजवान नहीं बनाएंगे जब तक हम लगातार इनके साथ प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि ये बच्चे किसी ढोल बजाने वाले के, किसी मजदूर के हैं, किसी के दो टाइम की रोटी का इंतजाम पर रोड पे काम करने वालों के बच्चे हैं। हमारी खुशी इसी में है कि इनके बच्चों के चेहरे पर खुशी आए और इनके परिवार पर भी खुशी आए। जो परिवार अंधेरे में डूबा है उसके जीवन में एक दिया हम भी जलाएं और उनके घर में भी, हम सब की तरह इनके जीवन में भी उजाला और खुशी का दिया जले, यही हमारा संकल्प है। बच्चों के चेहरे मिठाइयां, नए कपड़े और पटाखे पाकर जैसे खिल उठे।